हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन? एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 एंड चार ऑप्शंस हमें गिवन है, ठीक है। सो आयरन का सिंबल इज Fe एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 26, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर 26 है, तो अगर आप इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जो कि क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट से, फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करिए, वहां पर 1s2 होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p होता है, तो 2s2 एंड 2p6, ठीक है। अब थर्ड के अंदर आते हैं, थर्ड के अंदर भी क्या होता है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होता है, यानी कि थर्ड के अंदर s p और d होता है, बट पहले फिलिंग किसकी होती है, 3s की और 3p की, ठीक है, 3p6 लिया। अब फोर्थ ऑर्बिट में हम स्टार्ट कर चुके हैं, फोर्थ ऑर्बिट सॉरी फोर्थ पीरियड में जा चुके हैं, तो फोर्थ पीरियड में पहले किसकी फिलिंग हो जाएगी, 4s की होगी। अब उसके बाद में क्या होगा, जो थर्ड थर्ड शेल का, थर्ड ऑर्बिट का जो p d ऑर्बिटल बचा हुआ है, उसकी फिलिंग होगी, 3d की फिलिंग होगी। अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सके हैं, यहां तक 10 हो गए, ठीक है, यहां तक कितने हो गए, 18 हो गए, यहाँ 18 और ये 2 हो गए 20, और 6 बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरी जो इनर शेल है ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, और 18 इलेक्ट्रॉन्स की ही कंप्लीटली फिल्ड शेल क्यों मान रहे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट है, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट है, ये किससे रिजेंबल करता है, हमारे आर्गन से रिजेंबल करता है, ये आर्गन की कॉन्फिगरेशन है। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, आर्गन जो कि नियरेस्ट नोबल गैस है, उसके बाद में आपका फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। फोर्थ पीरियड में आपका 4s2 जाएगा और 3d6 जाएगा, ठीक है। अब इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस एल क्या हो जाएगा इसके लिए, 4 प्लस 0 दैट इज 4, और 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 2, d के लिए l वैल्यू कितनी होगी, 2 होती है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो n प्लस एल वैल्यू जिसके लिए भी छोटी आती है उसकी एनर्जी पहले कम होती है, तो यानी कि 4s की फिलिंग पहले होगी और 3d की फिलिंग बाद में होगी, क्लियर। इसी वजह से आयरन का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होने वाला है। सो अब देखो ये क्रिप्टन, क्रिप्टन तो आपका नोबल गैस बहुत लेटली आता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा अगेन डी में भी क्रिप्टन लिखा हुआ है, क्रिप्टन तो बहुत दूर आता है आर्गन से, ठीक है। तो आपके जो नोबल गैसेस होती है वो कैसे होती है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन और फिर ज़ेनन, ठीक है, फिर रेडॉन आता है, ठीक है। तो आपका जो क्रिप्टन है वो तो फोर्थ पीरियड की बिल्कुल फिलिंग होने के एंड में आता है, लेकिन आयरन तो स्टार्टिंग में ही है, इस वजह से क्रिप्टन नहीं हो सकता। इस वजह से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।